John chapter 20. Praise the Lord. हम सीधे जाएंगे John chapter 20 verses 19 से लेके 23 तक हम पढ़ेंगे. हालेलुया. आज मेरा जो प्रचार है कहता है six reasons not to miss church. Praise the Lord. ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा कर चेक मिस करते. Praise the Lord. Hallelujah. अगर मैं कहूंगा आप मेरे मिस चर्च तो जनरल में कहूंगा आप समझ जाए केवल चेक की बात हमने कर. Praise the Lord. अगर मैं कहूंगा मेरे मिस चर्च इसका मतलब जब आप अपने से ग्रुप मिस करता है. Hallelujah. जब आप मेंस फेलोशिप मिस करता है या फिर आप लेडीज मीटिंग मिस करता है या कोई भी परमेश्वर के सभा मिस करता है. प्रेज द लॉर्ड. तो उसके छह कारण दिया गया है बाइबल में से जो मैंने कहा है जोन 20 चैप्टर 20 19 से 23 इतना ही दूर पे आपके वो छह रीजन मिलेगा अगर आप चेक मिस करोगे. प्रेज द लॉर्ड. चलो हम पढ़ते हैं जोन 20 19 23 का हेडिंग है जीसस अपीयर्स टू हिज डिसिपल्स. प्रेज द लॉर्ड. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for the fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. 21. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sin, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Praise the Lord. Malaysia. ये आकाश टल जाएगी ये पृथ्वी टल जाएगी परंतु यीशु का वचन कभी नहीं टलेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. इफ देयर इज अ लॉट दैट यू मिस व्हेन यू डोंट कम टू चर्च. प्रेज़ द लॉर्ड. ना काफी चीज मिस कर देते हो जब आप सभा में नहीं होते हो. अगर कोई आपको बताने की कोशिश करे कि उस सभा में क्या हुआ मैं आपको गारंटी करता हूं 50% मिस हो जाएगा. Praise the Lord. आपको पूरी बात नहीं मालूम होगा कि उस सभा में क्या हुआ था. वो व्यक्ति कोशिश करेगा जरूर बताने के लिए लेकिन आप उस मौका को खो दो. Praise the Lord. वो तुम्हारे जीवन में लौट कर फिर नहीं आएगा वो मौका. Hallelujah. ना अगर आपको जानने के लिए आपको सभा में होना बहुत जरूरी है. You have to be there. तुम्हें वहां रह के तुम्हें भाग लेने के उसमें तुम्हें सुने के तुम्हें देखे के तुम्हें समझे के और खासतौर पर तुम्हें खुद महसूस किया परमेश्वर की उपस्थिति. हालेलुया. तब हालेलुया. अगर आप चेस मिस करेंगे तो कभी कभी चेस में कुछ ऐसा होता है जो आप मिस कर देते हैं जो दोबारा तुम्हारे जीवन में लौट जाती है. प्रेज़ द लॉर्ड. कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे रीजन और एक्सक्यूजेस देते हैं. हालेलुया. तरह-तरह के एक्सक्यूजेस रहते हैं. हालेलुया. कि वो चेंज नहीं आ सकते. प्रेज़ द लॉर्ड. आपको सभा में नहीं आ सकते क्यों शायद पास्टर के ऊपर मुंह फुला होगा. प्रेज़ द लॉर्ड. क्या कोई लीडर के ऊपर उसका मुंह फुला होगा. हालेलुया. क्या अपन पड़ोसी से उसके मुंह फुला है. प्रेज़ द लॉर्ड. कोई ग्रुप में किसी से मुंह फुला हुआ है. हालेलुया. शायद आपको यहाँ के लोग नहीं पसंद है. प्रेज़ द लॉर्ड. शायद आपको लोकेशन नहीं पसंद है. हालेलुया. तरह तरह के रीजन होता है. हालेलुया. जिनके पास बच्चे हैं अगर हम देखें आजकल जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो संडे को होता है. प्रेज़ द लॉर्ड. सोपा संडे को जस्टिस का होता है. रग्बी ऑर्गेनाइज होता है संडे को. ये जो लीग गेम्स होता है संडे को. प्रेज़ द लॉर्ड. क्यों ताकि परमेश्वर के जो समय से चुराया जाए. हालेलुया. लेकिन ये सब दुनियादारी की चीजें. प्रेज़ द लॉर्ड. ये सब दुनिया करते हैं. हालेलुया. हम अब तो मसीह होने के नाते
ये जानते हुए हमें ऐसा नहीं करना है क्यों मिस्टर क्योंकि कभी कभी चेस में ऐसा कुछ होता है जब हम नहीं आते हैं हम उसे मिस कर देते हैं हमेशा के लिए प्रेज द लॉर्ड वो लोग के हमारे जीवन में दोबारा नहीं आ सकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चलो बाइबल में चलते हैं यीशु मसीह जी उठा हालेलुया उसको कैलवरी पहाड़ पे लेकर गया और उसको क्रूस पे चढ़ा दिया प्रेज द लॉर्ड उसने अपने पवित्र लहू को बहाया हमारे और तुम्हारे पापों के लिए उसका मौत बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ जैसा उसने कहा था कि उसका मौत होगा हालेलुया और फिर वो कहता है इफ यू डिस्ट्रॉय दिस टेंपल इन 3 डेज आई विल रेज इट अप अगेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और यहां हम देखते हैं बिल्कुल तीसरे दिन हालेलुया तीसरे दिन थॉमस हालेलुया जिसको हम डिडिमस भी कहते हैं बाइबल में उसे डिडिमस थॉमस कहता है प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के एक चेला हालेलुया बाकी के जितना चेला हालेलुया ये सब एक रूम में बंद है जिसका जो दरवाजा है वो लॉक है प्रेज द लॉर्ड लेकिन थॉमस वहां पर नहीं है थॉमस उस असेंबली में नहीं है प्रेज द लॉर्ड थॉमस कहीं पर नहीं दिखा दे रहा है हालेलुया ये रविवार के दिन है हालेलुया और थॉमस उस असेंबली में नहीं है क्योंकि शायद वो निराश है शायद उसका दिल टूटा हुआ है प्रेज द लॉर्ड उसने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं हालेलुया उसने सोचा था सच में यीशु मसीह तो मसीहा है वो हम सबको बचा लेगा प्रेज द लॉर्ड लेकिन आखिरी चीज उसने क्या देखा अपने आंखों से कि रोमी सोल्जर लोग ने यीशु को कैलवरी पहाड़ पे उसे क्रूस पे ठोक दिया प्रेज द लॉर्ड और वो मारा गया हालेलुया लेकिन थॉमस को ये नहीं मालूम था कि यीशु मसीह जी उठा है प्रेज द लॉर्ड यीशु जिंदा है हालेलुया परमेश्वर ने कब्र के बंधन को फाड़ते हुए जिंदा वापस आया प्रेज द लॉर्ड वो अपने शरीर में होके चल रहा है और उसका खुद का एक चेला उस असेंबली में नहीं है प्रेज द लॉर्ड और उनका बाकी जो चेला ये रूम में है जिसका जो दरवाजा है वो बंद है और लॉक है प्रेज द लॉर्ड द बाइबल सेज जीसस जस्ट शोज प्रेज द लॉर्ड Now here is the best thing you miss when you don't come to church. You miss the presence of the Lord. Praise the Lord. Paila chiz, tum parmeshwar ke upasthiti ko miss karte. Hallelujah. Koi aisa chiz nahi hai jo Yeshu Masih ko bahar rok sakta hai. Praise the Lord. Hallelujah. Hame lage tumhone samjha. Hallelujah. Aap log silent hai. Dar gaya, aap log dara hua hai to jab ko silent hai. कोई ऐसा चीज नहीं है जो परमेश्वर को उस कमरे के बाहर रोक सकता है प्रेज द लॉर्ड ये चेला लोग उस रूम में लॉक थे क्यों क्योंकि उन्होंने देखा रोमी सोल्जर लोग ने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया इसके बाद वो इनके पीछे भी आएंगे प्रेज द लॉर्ड लेकिन यीशु को कोई चाबी की जरूरत नहीं है हालेलुया यीशु को कोई हैंडल की जरूरत नहीं है हालेलुया He just walks, hallelujah, through the door. Praise the Lord. Because whenever he gets ready to show up, hallelujah, there is no barrier that can keep him out. Hallelujah. कोई ऐसी ताकत नहीं ऐसी शक्ति से रोक नहीं सकता है. Praise the Lord. धन्यवाद तो यीशु मसीह के कि जब तुम चेस में आते हो, तुम उनके प्रेजेंस में रहते हो. Praise the Lord. कोई बात नहीं बचता यहाँ नहीं है यीशु है प्रेज़ द लॉर्ड कोई बात नहीं है कोई लीडर नहीं है यीशु है प्रेज़ द लॉर्ड कोई बात नहीं कोई टीम के लीडर नहीं है इसे यीशु है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चाहे कुछ भी हो जाए प्रेज़ द लॉर्ड नो मैटर व्हाट हैपेंस जीसस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज असेंबली प्रेज़ द लॉर्ड एंड व्हेन ही शोज अप
His presence makes a difference between a church and a crowd. Praise the Lord. His presence makes a difference between a church and a social club. Praise the Lord. His presence makes a difference between a church and a nightclub. Praise the Lord. His presence makes a difference between a church and a growing crowd. Praise the Lord. His presence makes a difference between a church and a gossiping crowd. Praise the Lord. Hallelujah. मैं वो चेंज नहीं जाना चाहूंगा जहां पर यीशु मसीह के प्रेजेंस। Praise the Lord. क्या आप जाना चाहोगे? Hallelujah. Because His presence makes the difference. Hallelujah. कोई दरवाजा उसे रोक नहीं सकता है. Hallelujah. Church, चाहे आप अपने हृदय के जो दरवाजा उसे बंद कर दो, उसे लॉक कर दो. Praise the Lord. चाहे आज अपने मन के दरवाजा को बंद करके उसे लॉक कर दो. Hallelujah. लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर यीशु को अंदर आना है, अगर उसे अंदर आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता. Praise the Lord. चाहे कैसे भी दरवाजा हो. Hallelujah. आप उसके सामने कैसे भी दीवार खड़ा कर दो, परमेश्वर हर एक दीवार को तोड़ देगा और वो तुम्हारे अंदर में आ जाएगा. Praise the Lord. क्योंकि वो हमारा ताकतवर परमेश्वर है. Hallelujah. उसे कोई नहीं रोक सकता है. बहुत से लोग अच्छे चाहते हैं. Hallelujah. अपने जुबानों को नहीं बोलते. Praise the Lord. कभी परमेश्वर की महिमा उसकी बड़ाई नहीं करते. Hallelujah. Now he knows how to walk through your situation and get you praise his name. Praise the Lord. Because जब अधिक आंसू निकलेगा तुम्हारे जुबान से हालेलुया निकलेगा. Praise the Lord. जब अधिक दिन तुम कंगाली में जियोगे तुम परमेश्वर की प्रशंसा करोगे. जब अधिक दिन से तुम बीमार रहोगे तुम परमेश्वर की जय जयकार उसकी महिमा को करोगे. Praise the Lord. His presence is the difference between a church and a crowd. Hallelujah. When you miss church, you miss His presence. Praise the Lord. Hallelujah. Not only do you miss His presence, you miss His power. Praise the Lord. Hallelujah. It's right here in verse 19. आप लोग उस देश में आसानी से मेरा नाम पढ़ेगा वहां से. Verse 19 में आप पढ़े. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together, praise the Lord, with the doors locked for fear of the Jewish leader, Jesus came and stood among them. Praise the Lord. No power on earth, hallelujah, can keep him down. कोई ऐसी शक्ति नहीं है दुनिया में जो उसे रोक के रख सकता है. Praise the Lord. उन लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया. Praise the Lord. लेकिन उसने कब्र के बंधन को फाड़ते हुए जी उठा. Praise the Lord. Hallelujah. Because he has power. Praise the Lord. Church, हम लोग के मिनिस्टरों के पास, हम लोग के प्राइम मिनिस्टरों के पास बड़ा बड़ा ऑफिस, उन लोग के पास रियल पावर नहीं. एक डॉक्टर कोई के जान जाने से बचा नहीं सकता क्योंकि उसके पास रियल पावर नहीं है. एक पुलिस ऑफिसर अपन वर्दी में खड़ा है उसके पास रियल पावर नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. जीसस हैज ऑल पावर, ऑल अथॉरिटी. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट ऑन दिस चर्च, व्हाटएवर यू नीड, ही हैज गॉट द पावर. प्रेज द लॉर्ड. जो कुछ तुम्हें चाहिए परमेश्वर के पास वो शक्ति है. हालेलुया. एक व्यक्ति के टेस्टमनी यहाँ पर दिया गया है. हालेलुया. पास्ता है. हालेलुया. ये पास्ता हॉस्पिटल में पड़ा है कार्ट में. ये पास्ता हिल डोल नहीं रहा है, ये घूम फिर नहीं सकता है. ये एक ही साइड में पड़ा है और वो प्रार्थना करता है. प्रेज द लॉर्ड. इस प्रेम के ऊपर. हालेलुया. वो कहता है परमेश्वर इस हॉस्पिटल के पास गोली दवा जरूर है लेकिन तुम्हारे पास पावर. प्रेज द लॉर्ड. अगर तू चाहे तू मुझे इस कार्ड से उठा सकता है. अगर तू चाहे तो मुझे चंगाई को दे सकता है परमेश्वर. ये उसका प्रार्थना है. Praise the Lord. And the next day, hallelujah, they could not believe his progress. Praise the Lord. The doctor who told him that you will not live for more than 2 hours came in and said,
things are possible with Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. He has power. Praise the Lord. When you miss church, you miss His presence, number one. When you miss church, you miss His power, number two. But when you miss church, thirdly, you miss His praises. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, verse 19. Man. Hallelujah. Verse 19. He came into the room without opening the door. Praise the Lord. That's presence, church. That's presence. Hallelujah. He stood in the midst of them after being crucified. That's power. Praise the Lord. And the first thing He says to them is peace be on you. Praise the Lord. Hallelujah. Peace. चर्च क्या आप जानते हो कि जब आप चर्च मिस करते हो या फिर सभा मिस करते हो इतने दिनों से जो जवाब की तुम तलाश करते रहे प्रेज द लॉर्ड शायद उसी सेवन में था जिस सेवन को तुमने मिस किया प्रेज द लॉर्ड जिस शांति की तलाश तुम अभी तक कर रहे थे प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर ने उसी प्रीचा के जुबान में डाल के उसी दिन भेजा था जो तूने मिस कर दिया प्रेज द लॉर्ड क्यों बिकॉज़ यू वर एंग्री विद सम प्रेज द लॉर्ड लेजी एंड वांटेड टू बी एट होम दैट्स नॉट इन द प्रेजेंस एंड पावर ऑफ द गॉड एंड यू मिस द गॉडली पीस हालेलुया उस शांति को तुम मिस कर प्रेज द लॉर्ड चर्च जब मेरा आत्मा चिंतित होता है मुझे उस शांति की जरूरत है जब मैं रात को सो नहीं पाता हूं मुझे उस शांति की जरूरत है प्रेज द लॉर्ड मुझे उस शांति की जरूरत है ताकि जब मैं अपने नौकरी पे जाऊं हालेलुया वो लोग मुझे देख के समझ नहीं सके कि क्यों मैं हंस रहा हूं क्यों मैं स्माइल दे रहा हूं जबकि शायद उसी सुबह मुझे काम से निकाल दिया जाएगा मुझे वो शांति चाहिए कि मेरे दोस्तों को पता ना चले कि क्यों मैं अभी भी उसे बात कर रहा हूं जबकि मेरे पीठ के पीछे वो बुलाए गए हालेलुया क्योंकि उनको नहीं मालूम है तुम्हारे अंदर में क्या है प्रेज द लॉर्ड माय पीस आई गिव यू हालेलुया नॉट लाइक द वर्ल्ड गिव्स ये दुनिया जैसा देखा वैसा नहीं प्रेज द लॉर्ड This joy, this peace that I have, the world didn't give me. ये दुनिया ने मुझे नहीं दिया. Praise the Lord. Church, without God, money will buy your food, but not your appetite. Praise the Lord. Without God, money will buy your medicine, but not good health. Praise the Lord. Without God, money will buy you house, but not a home. Hallelujah. Without God, money will buy you a wedding, but not a real marriage. Praise the Lord. क्योंकि जब तक परमेश्वर के शांति तुम्हारे ऊपर है, हालेलुया, तू जाके इधर अपने हाथ को रखेगा, वहाँ पर आशीष की वर्षा होगा. Praise the Lord. क्या आपको मालूम है? कुछ लोग कभी-कभी एकदम डाउन रहें, उनके जीवन में बहुत तकलीफ है. लेकिन अगर आप लोगों को देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने अभी भी इसे ब्लेस किया है इज नॉट यू चना भी नहीं गिरी आप ये चना नहीं कि वो इतना डाउन है उसके जीवन में ब्लेस लेकिन आप कोशिश नहीं किसी जीवन में परमेश्वर अभी भी इसे ब्लेस कर रहा है जबकि वो डाउन है फिर इज नॉट ये जरूरी नहीं है चर्च कि तुम्हारे पास बंगला हो गाड़ी हो हालेलुया बहुत से लोग बस में ट्रेवल करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड बहुत से लोग कोना कानी में कहीं पर रेंट करते हैं छोटे से घर में लेकिन वो खुश है प्रेज़ द लॉर्ड क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है ये जरूरी है कि तुम कौन हो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया
जानते हैं छह चार हमारे बीच में आप लोग बैठे, आप लोग के पास है 56 लाख होगा, गाड़ी होगा, हालेलुया, अच्छे अच्छे कपड़े आप पहनते हैं, आपका परिवार है, बैंक बैलेंस आया होगा, हालेलुया। लेकिन मैं आप लोगों को एक व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा जिसका नाम डेविड है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति के पास एक बाइसिकल है, प्रेज़ द लॉर्ड, और एक छोटा सा सेलफोन है। ये व्यक्ति अपने बाइसिकल में बूम बॉक्स फिट किया, उसको तो नहीं है बूम बॉक्स, सुना है बाइसिकल में बूम बॉक्स फिट किया, बड़ा ला बूम बॉक्स। ये डेविड है, इसका नाम, ये क्रिश्चियन व्यक्ति, ये जैम कर रहा है, ये जैमिंग कर रहा है बूम बॉक्स पाइप। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम अगर की बगल से क्रॉस करी उधर से सुनेगा यीशु मसीह के गीत, हम भी उसके संगे जैम कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च क्यों वो जैम कर रहा है? क्योंकि उसके कोई बात की चिंता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोई चीज के वरी करते नहीं है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा यीशु है महान। ओ नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा यीशु है महान। और हम लोग क्या देखो, हम लोग वरी के ऊपर वरी के नाम के वरी हो गए, बिल्कुल वरी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग के वरी को भी लाइक करे कि नहीं, हम लोग के वरी है कि वो हमारा साइड है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बट इफ आई से गॉड बी देयर फॉर यू, प्रेज़ द लॉर्ड, देन हु कैन बी अगेंस्ट यू? The Lord is my light, hallelujah, and my salvation. Praise the Lord. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Praise the Lord. Now David, अपने भाई में जेमी, praise the Lord. इसके पास 22-inch wheels नहीं है, कोई एक बैग व्हील नहीं है इसके पास, praise the Lord. इसके कोई चीज की चिंता नहीं है कि इसके घर में से कहीं चोरी हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो इतना खुशी में जैमिंग करे अपन पाइप में बूम बॉक्स ब्लास्ट करके कि जब तू उसे देखेगा दुनिया के सबसे खुश अंतिम व्यक्ति वही दिखेगी तुम्हें, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम लोग की हम लोग चिंता में गुजरता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आधा रात के हम लोग गुस्सा का है, गुस्सा का लोग आधा रात के डिविजन के कौन चेक करो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग वरी में जीता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन डेविड के ऐसा कोई चीज के वरी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। बिकॉज़ इट डजंट मैटर व्हाट यू ओन, प्रेज़ द लॉर्ड। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर ओन सेल्फ, हालेलुया। आज हम देखे कई लोग परमेश्वर को महिमा नहीं देते, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में शांति नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर में शांति नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, हालेलुया। वो ऐसी चीज के बारे में वरी कर रहे हैं जिसके उसके वरी करे कहीं नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। पीस बी अनटु यू, हालेलुया। व्हेन यू मिस चर्च, यू मिस हिज प्रेजेंस, प्रेज़ द लॉर्ड। यू मिस हिज पावर, यू मिस हिज पीस। बट इन वर्स 20 यू मिस हिज प्रेजेंस, चर्च, हालेलुया। इट्स राइट इन वर्स 20, हालेलुया। हम वर्स 20 आफ्टर इट सेड दिस He showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Praise the Lord. After they knew it was really Jesus. After they knew it was really Jesus. Hallelujah. The disciples were overjoyed. Yet the disciples were glad. Hallelujah. कब हम ओवरजॉयड होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ओवरजॉयड के मतलब कुछ, ग्लैड के मतलब कुछ, जब हमारे अंदर हम खुशियां से अपने अंदर में भर जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ना कब हम परमेश्वर की प्रेजेंस कर सकते हैं, जब हम खुशियां से भर जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें नहीं लगे आप चर्च एक क्रिश्चियन होने के नाते आप लोग खुश, वो खुशियां तुम्हारे अंदर में, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आज हम दूसरों की खुश करने की कोशिश, लोगों को पीछे बढ़ते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें लाइक करें, तुम्हें पसंद करें, प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम एकदम मेक श्योर करता है कि तुम जाए एकदम राइट पर्सन से हाथ मिलाएगा, सबसे हाथ नहीं मिलाएगा,
praise the Lord, hallelujah. But if God is on your side, praise the Lord, to me is a captive, praise the Lord, hallelujah. To me, see, permission be praise cannot, praise the Lord. Because when the praises go up, church, the blessings come down. Yes. Hallelujah. To me, Joe Manna, permission say, to be a man, praise the Lord. तुम उसके ऐसे प्रशंसा करके मान कि ऑलरेडी तुम्हें मिल गए भले तुम्हारे हाथ में नहीं है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. यू मतलब यू डोंट हैव टू वेट टिल द बैटल इज ओवर, जस्ट शाउट हिज नेम. प्रेज द लॉर्ड एंड यू सी द मिरेकल वर्किंग इन योर लाइफ. प्रेज द लॉर्ड. चर्च आज हम कोई जरूरत नहीं हमें वो कोया देख के कि हम तैयार करें अपने आप के परमेश्वर के. प्रेज प्रेज द लॉर्ड. आज कोई क्या मैं सिखाए कि नहीं है कि क्या मैं कैसे प्रशंसा करो. प्रेज द लॉर्ड. आज हमें अवश्य से कोई खाया करके नहीं बुलाया गया कि मैं सिखाए दो परमेश्वर के प्रशंसा कैसे करें. चर्च जब मैं सोचना शुरू करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कितना आशीष को दिया है, हालेलुया. जब मैं सोचना शुरू करता हूँ कि मेरे दुख मुसीबत में परमेश्वर ने मेरे हाथ को थामा रखा. प्रेज द लॉर्ड. जब मैं पिछले जीवन को देखता हूँ परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया है, हालेलुया. मेरा जो आत्मा है वो चीख उठता है, हालेलुया. मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग चेच आते हैं फिर सो जाते हैं. प्रेज द लॉर्ड. आप घर पे रह सकते हैं जब तक हम सोचता है कुर्सी से अच्छा नींद तकिया पे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अगर तुम मेडिसिन लेता है या तुम्हें नींद आता है तो तुम सफर के बाद मिले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अगर आपके प्रीचिंग नहीं अच्छा लगे आपका कोई और प्रीचर सुन सकता है, हालेलुया. But on Sunday morning, praise the Lord, when the Lord wakes me up, I intend to give my best praises to Him. Praise the Lord. And when I go home tired, not because listening on the preaching, but because praising and shouting His name. Praise the Lord. Hallelujah. कुछ लोग जब हम कहते हैं excitement जैसे overjoy, अगर हाय वो लोग हुए मांगे, हाय हुए मांगे, they need alcohol. Praise the Lord. दारू पिया से लोग हाय रहते हैं. अगर होश में बोलो नाचो, नहीं नाचो, पिया तो देखो कैसे नाचो. Praise the Lord. कुछ लोगों को तमाकू से हाय होता है, कुछ लोग लेमोना पीने से हाय हो जाते. Praise the Lord. Hallelujah. But all I need is to think about the goodness of Jesus. All I need is to think about how God has done. Praise the Lord. हमें देखना है कि परमेश्वर कैसे अपना दया हमारे पर दर्शाता है. Hallelujah. बड़े ही हम कुछ गलत किया, परमेश्वर फिर भी रास्ता निकालता है. Hallelujah. Praise the Lord. बड़े ही हम गलती कर देते हैं, परमेश्वर फिर भी हमें आशीष देता है. Praise the Lord. Hallelujah. कभी-कभी उसके मार से भटक जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर फिर भी हमारे लिए नए नए द्वार को खोल देता है. Praise the Lord. I can't even wait for Sunday to start praising God. Praise the Lord. Hallelujah. I could have been dead, sleeping in my graveyard. But you saved me, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The disciples were overjoyed. यानी ये खुशियां से भर गए थे जब उन्होंने पहचाना यीशु. चर्च क्या आज तुम खुश है इस सभा में? तुम आर यू ओवरजॉयड? प्रेज द लॉर्ड. उसे आज मुझे जगाना नहीं पड़ा. प्रेज द लॉर्ड. यीशु को आज मुझे ताकत नहीं देना पड़ा ताकि मैं अपने कपड़े को पहन सकूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. किसी को मुझे भोजन खिलाना नहीं पड़ा आज. हालेलुया. किसी को मुझे तैयार नहीं करना पड़ा. आई एम ओवरजॉयड. प्रेज द लॉर्ड. Let's go to the house of the Lord. Hallelujah. You miss church, you miss His presence. You miss church, you miss His power. You miss His peace. You miss His praises. And right here in verse 21, you miss
his promotions. Praise the Lord. Hallelujah. Question to manam dekhi kya kehta hai. Again Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Praise the Lord. Lekin tum permission deta hai. I want, Jesus said, what I am in the world, that's what I want you to be. Praise the Lord. Jaisa main hu main chahta hu waisa tu ban. Lekin tum wo nahi ban sakta hai agar tum uske presence mein nahi hai. Praise the Lord. Tum wo nahi ban sakta hai agar tum uske power mein nahi hai. Praise the Lord. Tum wo nahi ban sakta hai uske shanti tumhare andar mein nahi hai. Praise the Lord. Ab tum wo nahi ban sakta hai jab tak uske presence tumhare andar mein nahi hai. Praise the Lord. Hallelujah. Wo tumhe nahi de sakta hai. Hallelujah. Kyunki tumhara zuban band hai. Praise the Lord. चर्च आज हम देखते हैं, हम लोग चर्च आते हैं, कई बार हमारे जुबान जो बंद रहता है, हमारा जुबान खुलता नहीं, हम उसकी प्रशंसा नहीं करता, हम उसकी महिमा, उसकी जयजयकार नहीं करता. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन यहां कहता है, इफ यू डोंट प्रेज हिम स्टिल ही विल बी प्रेज्ड. स्टिल ही विल बी प्रेज्ड अगर तुम उसकी प्रशंसा नहीं करेगा. प्रेज द लॉर्ड. जब आखिरी बार परमेश्वर जेरुसलम में एंट्री मार हृदय पर सवार हो, ये लोग चिल्ला रहे थे, होसाना. पाम संडे की बात, होसाना. प्रेज द लॉर्ड. एंड द फरीसीज लॉ जो मार रहा है, द फरीसीज लॉ, पहले लोग जुबान बंद कर दो. यीशु ने क्या कहा? अगर तुम इनके जुबानों को बंद करोगे, ये पत्थर चिल्लाते हैं. ये प्रेज द लॉर्ड. ये पत्थर उनके प्रशंसा को करेगा. हालेलुया. मैं विश्वास करता हूं आज हमारे कलीसिया के राइटरों के पत्थर नहीं चिल्ले, बिकॉज हमारे कलीसिया में ऑलरेडी लोग हैं जो उसकी प्रशंसा करना जानते हैं. हालेलुया. सीना सारे क्या बहुत से लोग चुप रहे थे जब तुम्हें बातें करना है. प्रेज़ द लॉर्ड. बहुत से लोग बातें करते हैं जब तुम्हें चुप रहे. हालेलुया. आई एम सेंडिंग यू जस्ट लाइक अ फादर सेंट मी. यीशु कहते हैं, गो बी मी. यीशु कहता है खुद को, खुद गो बी मी, मेरे जैसा बन. प्रेज द लॉर्ड. मेरे जैसा बन अपने स्कूल में, मेरे जैसा बन अपने नौकरी पे, मेरे जैसा बन अपने पड़ोसी में, मेरे जैसा बन अपने परिवार में. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन तुम्हें यह कहता है, बट यू नीड टू गेट माय प्रेजेंस, माय पावर, माय पीस, माय प्रेजेंस राइट, or you will miss the promotion. Praise the Lord. You will miss the promotion. दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो हैं जिनका self promoters, जो अपने आप को promote करते हैं. ये दुनिया का सबसे खतरनाक लोग, promotion अपने आप को दिलाते. Praise the Lord. परमेश्वर के हाथ उन लोगों पर नहीं देते. Hallelujah. परमेश्वर के blessing उन लोगों पर नहीं देते. तुम उन्हें देख लोगे, तुम जान जाओगे कौन कौन जाने ऐसे लोग. तुम उन्हें देख के पहचान. प्रेज द लॉर्ड. वो लोग कहेंगे उनके पास क्या है. हालेलुया. वो क्या जानते हैं. प्रेज द लॉर्ड. आई एम डॉक्टर सो एंड सो, आई एम मास्टर सो एंड सो, आई एम रेवरेंड सो एंड सो. प्रेज द लॉर्ड. मैं यहां ये उखाड़ा हुआ, वो बोल दिया, वो जी सब, ये सिर्फ प्रमोटर्स है. प्रेज द लॉर्ड. ये सेल्फ प्रमोटर्स क्या करते हैं, ये अपने आप को ऊंचा उठाते. प्रेज़ द लॉर्ड. जब ये अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर को मालूम है कैसे से नीचे लाना. हालेलुया. लेकिन जब आप अपने आप को नरम, दीन और छोटा बनाओगे, आप नीचे रहोगे, परमेश्वर को मालूम है आपको कैसा ऊंचा उठाते. प्रेज़ द लॉर्ड. वो आपको आता है. चर्च, व्हेन यू आर ऑन योर नीज, जब तुम अपने घुटनों पे होते हो, प्रेज द लॉर्ड, शायद तुम पाप करें, हालेलुया, कोई गुनाह करें, हालेलुया, और तुम गिर पड़े. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेकिन तुम्हें बहुत लंबा नहीं गिरेगे. प्रेज द लॉर्ड. जब आप घुटनों पे होगे, बहुत लंबा नहीं गिरेगे आपके. हालेलुया. लेकिन अगर आप वहां ऊपर है, प्रेज द लॉर्ड, सेल्फ प्रमोट, आप वहां अगर ऊपर है और अगर आप गिर पड़े, प्रेज द लॉर्ड, आपके बैकबोन टूट सकता है,
आपके शोल्डर टूट सकता है, आपके रिब डैमेज हो सकता है, आपके पैर टूट सकता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप अपने घुटनों पे, प्रेज द लॉर्ड, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी टू गो बैक ऑन योर नीज, आप बहुत आसानी से अपने घुटनों पे फिर आ जाओगे, प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर इन अ प्रेइंग पोजीशन, प्रेज द लॉर्ड, वो प्रार्थना के स्थान। हालेलुया। व्हेन यू मिस चर्च, यू मिस हिज प्रेजेंस, यू मिस हिज पावर, यू मिस हिज पीस, यू मिस हिज प्रेजेंस, यू मिस हिज प्रमोशंस, बट लास्टली यू मिस हिज प्रोविजंस, प्रेज द लॉर्ड। इट्स राइट हियर इन वर्स 22 एंड 23, हम पढ़े, एंड विद दैट ही ब्रीथ ऑन देम एंड सर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यह था परमेश्वर ने, एंड विद दैट ही ब्रीथ, हालेलुया, ही ब्रीथ ऑन देम, गॉड ब्रीथ ऑन मी, ओह गॉड ब्रीथ ऑन माय मनी, ब्रीथ ऑन माय चिल्ड्रन, ब्रीथ ऑन माय हाउस, breathe on my brothers and sisters, breathe on my health, breathe on my mind, breathe on my spiritual level, breathe on my energy so that I don't get tired, God breathe on me, praise the Lord, hallelujah, kya aap chahte ho parmeshwar aaj tumhare upar vishwas karo ke, hallelujah, kya aap chahte ho, hallelujah, I'm not always right, but I need to breathe on me. Hallelujah. I messed up just last week, but I need you to breathe on me. I'm struggling in the area of my finance, but God, breathe on my money. My children are in the wrong path. Will you breathe on them? Tumhare liye koi prarthna kar raha hai, praise the Lord. Somebody is praying for you. Hallelujah. That's why you are here now. Hallelujah. You didn't know they were on their knees and praying for you. Praise the Lord. You know why you didn't go to jail? Hallelujah. Praise the Lord. Because somebody was praying for you. Hallelujah. Asking God to breathe on you. You know why you are not in a graveyard somewhere? Praise the Lord. Because somebody asked God to breathe on you. Praise the Lord. Is there anybody here who wants the Lord to breathe on you? Praise the Lord. I want to see the hands. Hallelujah. मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ। कौन चाहे परमेश्वर उनके ऊपर आज अपना श्वास को फूके। Hallelujah. कौन चाहता है परमेश्वर अपने श्वास को फूके? अपने हाथों को फूके। Hallelujah. If you are not saved this morning, Hallelujah. Ask God to breathe on you. If you are not embarrassed this morning, ask God to breathe on you. If you want your children to act right, ask God to breathe on them. If you want your marriage to stand together, ask God to breathe on them. If you want your job to go well, ask God to breathe on it. Why don't you grab somebody's hand? Hallelujah. Shake somebody's hand now. Hallelujah. Tell them, I am praying for you. Praise the Lord. I want the Lord to bless you. Hallelujah. Come on. Shake somebody's hand now. Hallelujah. Tell them, I want to pray for you. Hallelujah. I want the Lord to breathe on you. I want the Lord to breathe on you. Look behind you right now. Look behind you right now. Hallelujah. I want the Lord to bless you. Hallelujah. I want the Lord to make a way for you. I want the Lord to do a special favor for you. Hallelujah. I want the supernatural blessings in your life. I want a miracle in your life. And if you want a miracle, hallelujah, ask God to breathe on you. Praise the Lord. If you need a blessing tonight, this morning, hallelujah, ask God to breathe on you. Praise the Lord. What He do it? I said, what He do it? Praise the Lord. If there is anybody here who knows my Jesus, hallelujah, is there anybody here who tried my Lord? Praise the Lord. Won't He open doors today? Hallelujah. Won't He make a way today? Praise the Lord. Won't He pick you up? Turn you around? Put your feet on solid ground. Praise the Lord. Come on, church. Raise your hands towards Him. Hallelujah. And tell Him to breathe on me. Yes, breathe on me. Hallelujah. Ask the Lord to
to breathe on me. Hallelujah. And when he breathed on them, praise the Lord, they received the Holy Ghost. Hallelujah. जब परमेश्वर ने अपने श्वासों को उन लोगों के ऊपर फूंका, उनके ऊपर ये पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जब आता है, ये केवल अन्य अन्य भाषा के लिए नहीं आता है, ये केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आता है, ये आता है तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये आता है तुम्हें एक नया जीवन देने के लिए, ये आता है जैसा जीवन तू चाहे वैसा जीवन तुम्हें देने के लिए, ये आता है तुम्हारे जीवन में आशीष देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 23 कहता है, if you forgive anyone's sin, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Praise the Lord. यहाँ दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, परमेश्वर आज हमसे कहता है कि अगर इस धरती पे आज तुम्हें कोई तंग कर रहा है, हालेलुया, उसे मैं स्वर्ग में दे दूंगा। Praise the Lord. अगर इस धरती पे तूने जिसे माफ कर दिया है, उसे मैं स्वर्ग में माफ कर दूंगा। Praise the Lord. हम विश्वास करते हैं अच्छे अच्छे जो वचन आपके बीच में आया है कि आप आज के बाद आप कोई सभा नहीं मिस करें, हालेलुया, अपने चर्च को नहीं मिस करें। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी ऐसा रहे सभा रहे कहीं पर, आप जरूर कोशिश करते हैं समय निकाल के हो जाए, ताकि परमेश्वर की जो छह मुख्य चीज मैंने बताया है, आप इसे कभी खोए नहीं, इसे कभी मिस नहीं करें। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम सब आज कंप्लीट प्रार्थना में जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, और सुबह एक बार फिर आपके सुंदर और पवित्र चरण में आया हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी महान करुणा के लिए, आपके आशीष और महिमा के लिए, आपकी सराहना के लिए। धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर, जैसे जो वचन तूने मुझे दिया था मैंने आपके लोगों के बीच में बांट दिया परमेश्वर। यही विश्वास करता हूँ ये वचन को केवल सुनने वाला ना बने बल्कि इसमें चलने वाला बन सके प्यारे परमेश्वर। ये कभी कोई भी सभा मिस नहीं करे परमेश्वर, ताकि हमेशा तेरे सभा में आए और अपने जीवन में आशीष को पा सके प्यारे परमेश्वर। एक बार फिर परमेश्वर में धन्यवाद करते हुए सभी कुछ लौटा के आपके सुंदर और पवित्र हाथों में सौंपता हूं। इस प्रार्थना की जो केवल एक ही मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन।